हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला संपर्क विभाग भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज धर्मशाला के सभागार में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर की ओर से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के विकास के लिए वरदान विषय पर देश भर से आए शिक्षकों, विद्वानों व अकादमी की ओर से मंथन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, संपर्क विभाग और भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन शुक्रवार से 25 सितंबर तक किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि मानसिकता ने भारतीयों को काम करने के बजाय गुलामी करने वाला बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब नई नीति के तहत जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बनने वाले भविष्य को युवा पीढ़ी मिलने वाली है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए हिंदी व अपनी मातृभाषा का महत्व बताया। भारतीय शिक्षण मंडल का यह जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। अपने देश में अपनी भाषा, केवल हिंदी भाषा नहीं, अपनी सभी भाषाएं जो हैं उसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की आवश्यकता है और उनको विकसित करने की भी ज़रूरत है। इस विषय को लेकर अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, इस शिक्षा नीति में इसका कैसा प्रावधान है, क्या पद्धति का है, इस पर विचार गोष्ठी मुझे लगता है आज से 1-2-3 दिनों के लिए यहाँ होने वाली है। अपने देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधि इसमें आए हैं और हर एक प्रांत की भाषा अलग है। उस भाषा को कैसे विकसित करके विद्यार्थियों तक, अपने नए पीढ़ी तक कैसे पहुँचाना, इसके लिए यहाँ विचार गोष्ठी में सब कुछ होने वाला है, चर्चाएँ होने वाली है, मंथन होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं उनको आज उसका उद्घाटन हुआ, उन सबके कार्यक्रमों के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हर एक की मातृभाषा की, जैसे कि यहाँ आदरणीय मुकुल कानिटकर जी यहाँ बोल रहे थे कि मातृभाषा भी अपनी भाषा होती है। हर एक की भाषा, ये मातृभाषा, उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रयोजन है, उसका प्रावधान है। उसको अगर हम ठीक ढंग से उसको अगर यहाँ उसका उपयोग करेंगे, उसका अगर कार्यान्वयन करेंगे, तो मातृभाषा भी अपनी विकसित हो जाने वाली है। मैंने कहा अभी मेरे भाषण के अंत में, मैंने आज की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह शिक्षा नीति हमारा स्व जागृत करने वाली है। उस स्व में सब कुछ आता है, स्वदेश आता है, स्वभाषा आता है, स्व इतिहास आता है, स्व परंपरा आती है। मुझे लगता है इस सब को जागृत करने वाली आज की अपनी शिक्षा नीति है। उसको अगर ठीक ढंग से हम अपनाएंगे, कार्यान्वित करेंगे, तो स्व अपना जागृत होकर विदेश की ओर अपनी देखने की अपनी जो आज की परिस्थिति है वो खत्म हो जाएगी। N1 Live की स्पेशल रिपोर्ट।